Hey, hello everyone. Welcome back to our Goa series. This is episode 4 and I'm Aradhya. So, आज हम explore करने वाले हैं North Goa का one of the famous beach that is Anjuna Beach. Hey, good morning guys. Welcome back to the vlog. This is day 4 of Goa. And अभी हम लोग निकल गए हैं अंजुना के लिए. अंजुना फ्री मार्केट लगती है वेडनेसडे को. तो उसी के लिए जा रहे हैं हम लोग. खूब सारी शॉपिंग करने बेसिकली. चलो अभी स्कूटी निकालते हैं. निकलते हैं अभी. कितना 9:30 बज रहे हैं. आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से अंजुना का. वहाँ चल के आप लोगों को फ्री मार्केट दिखाते हैं अच्छे से. हमारे होटल से अंजुना बीच आधे घंटे की दूरी पे है. अंजुना बीच नॉर्थ गोवा का काफ़ी फेमस बीच है. यहाँ पे मोस्टली लोग फ्ली मार्केट विज़िट करने आते हैं. अंजुना फ्ली मार्केट एवरी वेडनेसडे को लगती है मॉर्निंग 7 बजे से लेके इवनिंग 7 बजे तक. सो गाइज, आप अंजुना कैसे आ सकती हो? अगर आप एयरपोर्ट से डायरेक्ट अंजुना आना चाहते हैं तो आपको कैब या टैक्सी करना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी बस सर्विसेज एयरपोर्ट से डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है. नेक्स्ट इज, अगर आप पणजी से प्लान करते हैं अंजुना आने के लिए, तो आपको पणजी बस स्टैंड से मापुसा के लिए बस लेना है. देन मापुसा से डायरेक्ट सर्विस है अंजुना के लिए. अंजुना बीच पे आप ड्रॉप होंगे. बीच से फ्ली मार्केट के लिए वॉकिंग डिस्टेंस ही है. आप चाहे तो वहाँ पे रिक्शा भी अवेलेबल रहता है, आप वो भी कैरी कर सकते हैं. एंड बात करते करते हम लोग पहुँच चुके हैं अंजुना बीच पे. ये देख सकते हैं ये सारे मार्केट हैं. अभी थोड़ी देर में ये सारे ओपन हो जाएंगे. ये तो रेगुलर मार्केट्स हैं जो एवरी डे अवेलेबल रहते हैं, बट बेसिकली हम फ्ली मार्केट की बात कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एवरी वेडनेसडे अवेलेबल रहता है. टाइमिंग्स मैंने आपको बता दिए हैं. सो गाइज, अगर आपने मेरी प्रीवियस गोवा सीरीज व्लॉग नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट को ओपन करके सारे व्लॉग्स देख सकते हैं. सो दिस इज अंजुना मार्केट की पार्किंग. एंड यहाँ पे बहुत सारी मार्केट में बहुत सारी पे पार्किंग अवेलेबल है, बट ये और अंजुना का ओरिजिनल पार्किंग है. 50 रुपीज़ पार्किंग चार्ज रखता है. सब जगह यही चार्जेस हैं. एंड ये काफ़ी बड़ा पार्किंग है एंड ये सूटेबल रहेगा अगर आप इस पार्किंग में आते हैं, बिकॉज जस्ट पार्क कर योर व्हीकल एंड आप अंदर जाएंगे एंड अंदर से फ्री मार्केट स्टार्ट हो जाएगा. आप देख सकते हैं अभी तो शॉप्स लगे भी नहीं है ठीक से, बिकॉज हम लोग 9:30 बजे के आसपास पहुंच चुके हैं यहाँ पे. वाओ मैक्रम. चलो अंदर चलते हैं. लोग तो अभी अपना स्टॉल वगैरह लगा लेते हैं. टिल देन हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं. हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, बहुत जल्दी निकल गए थे होटल से. तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, देन फिर आपको एक एक करके फ्ली मार्केट पूरा विजिट करवाते हैं. सो हम लोग ऐसे कुछ वो मार्केट होते हुए यहाँ आ रहे हैं और ये है बीच. ऐसा है कुछ यहाँ का नज़ारा. यहाँ का कोस्टल लाइन में आपको थोड़ा ये पत्थर वाली चीज़ें भी दिखेंगी. इसमें क्रैब्स एंड ऑल भी बहुत रहते हैं. तो ऐसा है कुछ. सो गाइज, अंजुना फेमस है अपने वाटर स्पोर्ट्स के लिए. काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं इधर. पैरासेलिंग, बम्पर बनाना राइड्स, नॉकलिंग, बोट राइड, जेट स्की राइड, इतने सारे एंड एकदम चीप प्राइजेस पे अवेलेबल हैं इधर. इधर का एक्सपीरियंस अलग है, बिकॉज इधर का बीच काफ़ी अलग सा वाइब देता है. सो कुछ लोग पूछते हैं यहाँ के बेस्ट प्लेसेस क्या हैं खाना खाने के लिए. सो मुझे बेसिकली पर्सनली 3-4 कैफ़ेज़ काफ़ी अच्छे लगते हैं अंजुना के लिए. मैं लिस्ट डाउन कर दूँगी. आप लोग जब नेक्स्ट टाइम गोवा ट्रिप का प्लान करें तो आप यहाँ पे जा सकते हैं. मेरा फेवरेट है कर्लीज़ बीच शैक, जो अंजुना के एकदम कॉर्नर में है.
लास्ट ईयर तो वो बंद हो चुका था, बट अभी पता चला है कि वो फिर से ओपन हो गया एंड हम लोग कल प्लान करेंगे कर्लीज आने का, तो वो आपको आगे वाले व्लॉग्स में दिखाई देंगे। सो गाइस, हम लोग ब्रेकफास्ट करने आ चुके हैं सी ब्रीज रेस्टोरेंट में, जो फ्री मार्केट के मिडिल में पड़ता है। एंड हमने ब्रेकफास्ट में मंगवाया कॉफ़ी विद मशरूम ऑमलेट एंड दो चिकन सैंडविच, और ऐसा कुछ है अपना चिकन सैंडविच विद फ्राइज। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर जगह पे सैंडविच बहुत अच्छा है। सो गाइज, ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल लिए हैं मार्केट के लिए। एंड इस मार्केट की हिस्ट्री मैं आपको कुछ बता दूँ। ये मार्केट बेसिकली हिप्पी कल्चर से इंस्पायर्ड है। ये मार्केट स्टार्ट हुआ था 1960s में। यहाँ पे हिप्पी लोग अपने पुराने कपड़े, पुराने ज्वेलरी वगैरह सब कुछ बेचते थे जब उनके पास पैसे की कमी हो जाती थी नए प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। धीरे धीरे लोगों को अच्छा लगने लगा मार्केट सिस्टम, लोग खरीदने लग गए, उनको पैसे मिलने लग गए, वो लोग और इंस्पायर्ड हो गए। एंड देखते देखते ये मार्केट इतना बड़ा हो गया कि यहाँ पे एक टाइम पे थाउजेंड ऑफ स्टॉल्स रहते हैं। एंड यहाँ पे सब कुछ आपको मिलता है, स्पाइसी से लेके फुटवेयर से लेके क्लोथिंग, एक्सेसरीज, ज्वेलरी। इस मार्केट की सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि यहाँ पे लेदर के प्रोडक्ट्स काफ़ी अवेलेबल हैं, जैसे कि ये डायरी, ये लेदर की डायरी है। ये मैंने अपने फादर इन लॉ के लिए लिया था बिकॉज़ उन्हें डायरीज़ का काफ़ी शौक है एंड मुझे ये काफ़ी यूनिक सा लगा, एंटीक पीस एक। गाइज, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको इस मार्केट में परचेजिंग के टाइम पे बार्गेन करना बहुत ज़रूरी है एज मच एज यू कैन, बिकॉज ये लोग ट्रिपल अमाउंट चार्ज करते हैं, देन फिर आप उसको बार्गेन करते 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 एक्चुअल अमाउंट पे ले आते हो। मैंने डायरी ली थी, मुझे बोला था 1800, देन मैंने उसको बेसिकली 500 में लिया। Oh my god, they have mehndi also. Basically these are the same people who put up market in Arpura as well. So kuch pehchan wale shakal bhi dikh rahe hain yahan pe, jinhone apna shop yahan pe lagaya hai. Ye dekhiye, kafi khoobsurat sa हैंडमेड आइटम्स है ये सब, बैग्स एंड ऑल। हाँ, ये कुछ वुडन आइटम्स हैं यहाँ पे। क्या प्राइस है? कुछ वन वन या वन पे या अपन 1800 ऑल नट। ऑलराइट, क्या ये 1800 होल नट? क्या ना होल नट, होल नट।
सो गाइज, यहाँ से हमने बहुत सारे स्पाइसेस लिए हैं बिकॉज हम लोग चाय लवर भी हैं एंड साथ में मटन, नॉन वेज ये सब तो रेगुलर रहता है घर में बिकॉज वी आर प्योर नॉन वेज. सो ये सारे स्पाइसेस आप गोवा एंड गोवन मसाला नहीं लेके जाएं तो फिर आपने कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं लिया है गोवा से. आप मस्ट विजिट दिस प्लेस एंड गोवन मसाले तो बिल्कुल लें. यहाँ मैंने बहुत सारे टी स्पाइसेस लिए हैं, फ्लेवर टी हैं इधर, बिरयानी मसाला है, मैंने बहुत सारे देखा भी, सबको स्मेल भी किया, काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी फ्रेश थे सारे. ये भी रेडी टू कुक, लिख दीजिए ना सब पे. हाँ. लिखते जाइए फिर भूल जाइएगा. ये कौन सा, किस चीज के लिए? मटन, मटन मटन में जाएगा क्या? ठीक है देखेंगे. हाँ. सो गाइस, हमने कुछ मसाला लिया है. अब ये तो कैसा खाने में है आपको वहाँ पे कोलकाता जाके ही बताऊंगा मैं. वैसे स्मेल बहुत अच्छा है इन सब का, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है और हर स्पाइस का अलग अलग अपना अरोमा आ रहा है. तो लेट्स सी, बट काफ़ी महंगा है, तो देखते हैं. ₹100, I don't know what it is. ये देखना. वाइब है यहाँ पे, वाइब. ऑल दी फॉरेनर्स आर चिलिंग आउट ओवर हियर दिस ब्राइट सनी डे. चलो चलते हैं यार, यहाँ पे और कुछ है नहीं, इधर आ जाओ. ये है हम लोग यहाँ पे. So this is all from our end guys. I hope you like this video. अगर पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.